तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक नैनो टैंक जो कि है 1 फीट बाय 1 फीट का मेरे सामने। इसे हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, प्रॉपरली केयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसे प्रॉपर केयर करने के लिए। और बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक आ रहा है उसे प्लीज़ इग्नोर करिए, क्योंकि हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से मैं इस चैनल पर मैं एक्टिव नहीं था, तो उसके लिए सॉरी। और किसी और काम में मैं बिज़ी था, तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी कराया कि ये टॉपिक्स भी आप कवर करो, तो मैं इस पर बहुत जल्द एक्टिवली उस पर काम करना शुरू करूँगा। तो आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कीजिए कोई भी सजेशन हो तो। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रॉय फॉर वर्ल्ड। हमने प्लांटेड एक्वेरियम अगर अपने घर पे रखा है तो उसे कैसे केयर करना है। अगर आप लोग हॉबीस्ट हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा, बट अगर जो न्यू हॉबीस्ट हैं जो इस फील्ड में नए नए एंट्री कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि एक टॉवेल फ्रेश एकदम नया आपके पास होना चाहिए, एक टूथब्रश होना चाहिए। टूथब्रश क्यों होना चाहिए, अगर एल्गी लग रहा है या फिर वुड या स्टोन में अगर गंदगी हो रही है तो उसे क्लीन करने के लिए ये चाहिए आपको एकदम नया। ऐसा ना हो कि आप लोग पहले यूज़ कर चुके हो और पुराने टूथब्रश को इसमें यूज़ लाएं, ऐसा नहीं है। कोई भी आप टूथब्रश ले लीजिए, सॉफ्ट हो ये ले लीजिए। एक पुराना कार्ड चाहिए, ATM, डेबिट ATM हो, क्रेडिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो पुराना हो, जो ख़त्म, मतलब जो यूज़ में ना हो, ख़राब हो, एकदम वेस्ट हो, तो उसे हम लोग यूज़ करेंगे। और एक छोटा सा कैसे बोले, ये स्पॉन्ज की तरह है, इसे मैं यूज़ करता हूँ नॉर्मली अगर ग्लास या CO2 का जो पाइप है इसे क्लीन करने के लिए। ये थोड़ा रफ़ टेक्सचर होता है, रफ़ नहीं बोलेंगे, हार्ड होता है, इसे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं ये छोटा सा एक पीस रखता हूँ, इसे स्पॉन्ज बोल सकते हो या फिर फिल्टर मीडिया है ये फिल्टर। लोग अगर शॉप में जाओगे तो बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ चाहिए, बस इतने सारी चीज़ चाहिए। और एक बकेट आप लोग ले लेना, 20 लीटर वाला जो आता है लेना एकदम फ्रेश। एक मग ले लेना जो डेडिकेटली एक्वेरियम के लिए ही हो, ऐसा ना हो कि आप लोग वीक में एक बार यूज़ कर ले रहे हैं इसके लिए, उसके बाद नॉर्मली घर पे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं, केवल और केवल इसके लिए ही वो हो सेपरेट, ठीक है। एक साइफन आपको चाहिए, नॉर्मली है वो तो चाहिए पानी निकालने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिल्टर को ऑफ़ कर देना है, उसके बाद CO2 जो है उसे भी ऑफ़ कर देना है, उसके बाद थोड़ा देर रुक जाना है, अगर बबल निकलना बंद हो जाता है डिफ्यूज़र से उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये जो छोटा सा मैंने जो बताया फिल्टर मीडिया का जो पैड है, इससे ये जो अपना जो थर्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ही एक्वेरियम के ही पानी में, इसे उसी में क्लीन कर लेंगे ताकि कोई भी गंदगी ना हो, बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों का देखता हूँ मैं जो एल्गी लग के ये ब्राउन हो जाता है, तो ऐसा ना हो, बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। सेम चीज़ हमें इस पाइप के साथ भी कर लेना है ताकि पाइप में कोई भी अगर एल्गी लगा हो तो वो निकल जाए, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, यानी कि बहुत ही ताकत लगा दे क्लीन करने में और टूट तोड़ दे, क्योंकि बहुत लोगों का ये ग्लास का भी होता है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो हमने जो कार्ड लिया था, पुराना जो कार्ड हमारे पास था, ये हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इसे हम लोग ग्लास पे जो एल्गी लगा होता है या फिर मिनरल्स लगे होते हैं, तो उसे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, इसे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये। इसी तरीके से हम लोग चारों तरफ इसे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हैंड से क्लीन करेंगे। तो हमने ग्लास को क्लीन कर लिया है और अब हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही डस्ट जो है पानी में आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं प्लांट जो है काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इसे हम लोग ट्रिम करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए सीजर, जो कि स्पेशली आता है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, वो हमारे पास है। तो हम लोगों को अभी फ़िलहाल दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहला ट्वीज़र जिससे हम लोग प्लांट अगर कट करते हैं तो उसे रीप्लांट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ हमें चाहिए सीजर।
तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्लांट को ट्रिम करना और शेप में लाते हैं। अभी बहुत ही बुरे कंडीशन में है तो इसको हम लोग शेप में लाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो हमारे पास है ये कर्व्ड सीजर, तो इससे हम लोग प्लांट को ट्रिम करना शुरू करेंगे। और ट्रिम करने से पहले ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे श्रिम्प्स और फिशेस हैं, स्नेल्स हैं, तो वो कट ना हो जाए, उसका हमें ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो प्लीज़ ये चीज़ ना करें, क्योंकि आप लोग अपने फिशेस या फिर श्रिम्प्स को आप लोग डैमेज कर सकते हैं। और अपने किसी प्रोफेशनल अगर हैं आपके एरिए में तो आप लोग उन्हें ही ये चीज़ करने दें, और बच्चे तो प्लीज़ इसे ना करें क्योंकि आप लोग इससे अपना हाथ को भी काट सकते हैं, ये बहुत ही शार्प होता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें एल्गी भी है, तो हम लोग एल्गी को भी बहुत ही अच्छे से कैसे निकालना है वो भी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग एल्गी से भी अगर परेशान हैं तो प्लीज़ हमें बतलाइए, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे साथ में कि एल्गी को हम लोग अपने टैंक से कैसे निकालें या फिर ऐसा सॉल्यूशन करें बाद में वो फिर ना आए। और जो टिप है इसे अगर हम लोग ट्रिम करते हैं तो उससे खूबसूरती क्या होता है कि जहाँ से हम लोग ट्रिम करते हैं उसके पास से दो तीन और शूट्स निकल जाते हैं ताकि वो और भी डेंस और बुशी दिखे। तो आप लोग फ्रेश जो आता है उसे कट करने पे ज़रा भी ना हिचकिचाएं कि बहुत ही सुंदर लग रहा था मैंने कट कर दिया है। अगर आपको डेंस करना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और पुराने लीव्स को तो निकाल ही देना है क्योंकि वही जो है एल्गी और जो गंदगी होता है उसका बहुत बड़ा रीज़न है। तो पुराने लीव्स को हमें निकाल देना है कितना हो सकता है। और फ्रंट का कारपेटिंग जो है ट्रिम हमने कर रखा है, और हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड में क्या हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। बहुत ही इत्मीनान से ट्रिम करना शुरू करेंगे। जितने भी एल्गी आपको दिख रहे हैं जितने भी, बहुत ही आराम आराम से इसे निकालना है और कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे एल्गी को निकालना है। अब लोग नोटिस कर पा रहे हो तो जो टेलेनस है वो बहुत ही आगे तक आ चुका है, जो कि आगे के डिज़ाइन को ख़राब करेगा। उसे हम लोग ट्रिम करके निकाल देंगे और पीछे उसे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये जो है, क्योंकि ये रनिंग प्लांट्स होते हैं तो ये रन करके आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी आगे आ चुका है, उसे हम लोग निकाल दिए। अब ये क्लीन हो गया, बट यहाँ पर भी छोटे छोटे सूट्स हैं जो आगे आ रहे हैं, इसका जो रनिंग पोर्शन है इसे हम लोग कट कर देंगे और इसे बहुत इत्मीनान से इसे ऐसे निकाल लेंगे। और ये आपको ज़रूरत नहीं है कि जैसे मेरे पास ये टूल्स हैं, ये टूल्स हो ही, अगर आपके पास नॉर्मल भी सीजर है तो उसे अच्छे से उसे सैनिटाइज कर दें, कोई भी गंदगी ना लगा हो उसमें, बहुत ही अच्छा क्लीन हो, उसके बाद आप लोग कर पाए। अब आप लोग यहाँ नोटिस कर पा रहे होगा तो इस ये जो एरिया में जो फ्लेमिंगो है ये यहाँ से ज़्यादा बेटर आई थिंक इस एरिया में लगेगा, है ना, पीछे का जो मिड में जो एरिया है यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ से इसे निकाल के यहाँ लगाएंगे और देखते हैं फिर कैसा लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो है मेंटेनेंस के टाइम पे ही करें, उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल या फिर जो अमोनिया, क्योंकि उससे बढ़ जाता है अगर सब्सट्रेट में मूवमेंट होता है और उसके तुरंत बाद हम लोग पानी चेंज कर देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग को अगर कोई भी प्लांट्स को अगर मूव करना है तो वो हम लोग वाटर चेंज के ड्यूरेशन के टाइम पर ही करते हैं ताकि वो कोई भी अफेक्ट ना करे टैंक के साइकिल में।
तो यहाँ से हम लोग इसे निकालते हैं और यहाँ पर डालते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो खाली दिख रहा है अभी, ये जो मिड में जो एरिया है, इस एरिया में बुशे फ्लैंड्रा को डालने का। तो उससे पहले इस वीक देख लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कुछ एल्गी का जो इश्यू दिख रहा है उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसे सबसे पहले हम लोग ये इसे यहाँ करते हैं। अब हम लोग साइफन से पानी निकालना शुरू करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये जो एक्वेरियम से जो पानी निकल रहा है उसी पानी से हम लोग जो फिल्टर मीडिया या फिर जो कुछ भी अगर क्लीन करना है तो हम लोग उसी से करेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज जो फिल्टर में होते हैं वो अगर फ्रेश पानी से हम लोग क्लीन करें तो उसके सारे वो मर जाते हैं या फिर हट जाते हैं। बट सेम चीज़ अगर हम लोग एक्वेरियम के पानी से ही करते हैं तो वो एज इट इज़ रहते हैं, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ही क्लीन करना होता है। उसके बाद इसको सेट करते हैं और आरओ वाटर हम लोग डालेंगे अपने इस टैंक में। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि आरओ वाटर मैंने फिल कर दिया है और कुछ स्पेस छोड़ा है क्योंकि अभी रीप्लांटिंग करेंगे हम लोग। और आप लोगों को देख पा रहा होगा छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं, वो इसलिए होते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन ब्लीडिंग। ऑक्सीजन ब्लीडिंग क्यों होता है कि अगर हमने कहीं पे भी ट्रिम करा है तो वहाँ से न्यू वाटर आने के बाद वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जैसे आप लोगों को दिख पा रहा होगा अभी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड में एकदम रीप्लांटिंग। जहाँ जहाँ से हमें लगता है कि और प्लांट्स की ज़रूरत है वहाँ हम लोग प्लांट्स डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फाइनल टैंक जो कि हमने सारा मेंटेन कर लिया है। आरओ वाटर मैंने यूज़ करा है, सारा ट्रीटमेंट, सारा कटिंग्स वगैरह आपने देख ही लिया। और इसमें लास्ट में हमें एक चीज़ और ऐड करना है, ये है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो इसमें हमें केवल दो पंप ही यूज़ करना है। तो अब ये टैंक हमारा पूरा रेडी है, अब अपना प्रॉपर कंडीशन में आ चुका है। और आप लोग देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, स्टेंट्स वगैरह सारे बहुत ही हैप्पी हैं। और क्योंकि मैंने इसमें आरओ वाटर यूज़ किया है तो मैं श्रिम्स के लिए मैं एक्स्ट्रा मिनरल्स एड ऑन करूँगा, क्योंकि इसमें आरओ वाटर में मिनरल्स बहुत कम होते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होता है। तो फाइनली ये हमारा टैंक है और अब बहुत ही प्यारा लग रहा है, हैप्पी लग रहा है। तो अब इसी खुशी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सजेशन हो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट में। और अगर कुछ भी देखना चाहते हो, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी नहीं समझ में आया हो या कुछ भी ऐसा आपको समझना हो तो कमेंट में बताइए, मैं उस सबका रिप्लाई करूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, पीस आउट।